चाहे गोकुल हो या वृंदावन, चाहे गोवर्धन हो या बरसाना नंदगांव, ब्रज की धरती पर कदम रखने के लिए आपको आना होगा श्री मथुरा जी की शरण में, यानी कि श्री कृष्ण जी के पास। मथुरा, जिसे कान्हा की नगरी भी कहते हैं, ये पड़ता है यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में और ये न्यू दिल्ली से 165 किलोमीटर दूर है। मथुरा में ट्रेन रेलवे स्टेशन है और ये देश के लगभग सभी हिस्सों से ट्रेन्स कनेक्टेड है, पर मथुरा में एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन दिल्ली न्यू दिल्ली पास होने की वजह से इसकी कमी महसूस नहीं होती है। हेलो गाइस, मैं हूँ नानू और आप सभी लोगों का स्वागत है नानू के सफ़र में। और आज नानू के सफ़र में मैं आ चुका हूँ मथुरा, जिसे कान्हा की नगरी भी कहते हैं। तो चलिए कान्हा की नगरी में कान्हा जी के ही दर्शन करते हैं। बचपन तो हर किसी का होता है, लेकिन एक बचपन हर कोई देखना चाहता है और वो है हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी का। तो चलिए उस बचपन को देखते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। बहुत ही अद्भुत दर्शन थे और साथ ही मैंने वो जेल भी देखी, जिस जेल में कंस ने माता देवकी जी और पिता वासुदेव जी को बंधक बना के रखा था, और उसी जेल में हमारे श्री प्यारे लाडले श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और साथ ही मैंने दर्शन के साथ साथ यहाँ पे यंत्र चलित झांकी भी देखी, वो भी बहुत अच्छी थी। और साथ में यहाँ पे आपको एक गुफा भी देखने को मिलती है, तो आप अगर मथुरा आते हैं तो यहाँ पे जन्मभूमि में ज़रूर जाएं। और साथ ही में यहाँ पे कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, फिर चाहे वो कैमरा हो, यहाँ तक कि गाड़ी की चाबी तक आपको अलाउड नहीं है। और वो सामान रखने के लिए आपको देते हैं यहाँ पे क्लॉक रूम में जगह, तो यहाँ पे आप अपना सामान रखिए और अंदर श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ राजधिराज श्री द्वारकाधीश टेम्पल में। ये देखिए, ये मथुरा का सबसे फेमस टेम्पल है। तो चलिए अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं द्वारकाधीश मंदिर में। सभी राजधिराज श्री द्वारकाधीश मंदिर में हमें पंडित जी मिले। सो आप द्वारकाधीश मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मंदिर है द्वारकाधीश का। ये मथुरा के लक्ष्मी चंद सेठ थे, उन्होंने इस मंदिर को निर्माण कराया। ये 300 साल पुराना मंदिर है। मेन मंदिर है विश्राम घाट, यहाँ मामा कंस को मारा है। इसकी भगवान की चार झांकी होती हैं, भगवान का बाल रूप है। चार झांकी सुबह, चार झांकी शाम को, इसकी तीन झांकी हो चुकी हैं। भगवान का है बाल रूप कृष्ण जी का, पहले मंगला 6:30 से 7, फिर श्रृंगार का दर्शन 7:40 से 7:55, अब ग्वाल के दर्शन खुलेंगे भगवान के 8:25 से 8:40, 10 से 11 बजे होली के दर्शन होते हैं राजभोग के, फिर ये मंदिर शाम को खुलता है 3:30 बजे। भगवान का बाल रूप है, यहीं टीवी से जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम दिखाते हैं टीवी से, वो यहीं से दिखाते हैं। यहीं सावन के महीने में झूले पड़ते हैं और मंदिर खुलने ही वाले हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया यहाँ द्वारकाधीश मंदिर के बारे में, ये देखिए पट खुल चुके हैं और मैं आपको द्वारका महाराज जी के दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट के लिए पट खुलते हैं, तो जल्दी ही जल्दी आप दर्शन कर लीजिए। सो अभी हम आ चुके हैं यमुना नदी के किनारे विश्राम घाट में। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कंस को मार कर जेल से छुड़ाकर अपने माता पिता को यहाँ पर लाके विश्राम कराया था, इस वजह से इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा।
और 12 घाट दक्षिण की तरफ है, 12 घाट उत्तर की तरफ है, और बीच में जो विश्राम घाट है ये सबसे बड़ा घाट है। तो पंडित जी, आप विश्राम घाट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ ऐसा है, यही कार्तिक को यमुतिया बहन भाई आते हैं स्नान के लिए, भैया दोष के दिन इसी घाट पर स्नान होता है। यही कार्तिक को बहन भाई आते हैं, यहीं यमुना जी की आरती होती है, जैसे हरिद्वार में गंगा जी की आरती होती है या यमुना नदी जी की आरती होती है। यहीं से कृष्ण जी को लेके सामने गोकुल गांव है, तो अपना गोकुल लेके गए हैं प्रस्थान करके। जैसे हिंदू लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ है विश्राम घाट, यहीं मामा कंस को मार करके विश्राम लिया तो घाट का नाम पड़ा है विश्राम घाट। तो जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया है कि कृष्ण जी ने मामा कंस को मारकर विश्राम घाट पे यहाँ आके अपने माता पिता के साथ विश्राम किया।